नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नाइट रिसर्च सेंटर में। तो आज जो है वो टॉप 60 सवाल रहने वाले हैं। आई होप साउंड एंड स्क्रीन जो है वो आप सभी को विजिबल है, एक बार जरा कंफर्म कर दें। और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपने इस सेशन को। हल्का सा एरर है, एचपी जीके की अगर मैं बात करूं तो उसका सेशन हम लेंगे थोड़ी देर में। ओके ओके जी, ऑल गुड, बढ़िया। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं? गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे आप सभी को भी और आपके परिवार को भी। ठीक है, तो ये है हमारी आज की मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या कहती है? अब हम जो हैं वो राइट साइड पे से आपको पढ़ाया करेंगे। कड़ी मेहनत और प्रयास से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ चेंजेस हैव बीन अकर्ड, है ना? आपने देखे होंगे बहुत से चेंजेस हो चुके हैं यहाँ पे। तो सोशल स्टडीज रहने वाला है, ठीक है? कितने सवाल होंगे आपके स्क्रीन पे है? 60 सवाल होंगे। और एचपी जीके का टेलीग्राम पे करते हैं क्विज, बाद में पेड वर्जन जो है स्टूडेंट्स के लिए। चलिए, तो पहला सवाल ये रहा स्क्रीन पे। अच्छा, ऐसे आज ऐसे हमें पढ़ाना पड़ेगा। तो पहला सवाल क्या है आपके लिए? स्कोर आपके लिए एक टारगेट मैं देता हूँ, जैसे एज यूजुअल दिया जाता था। 60 सवाल हैं एंड योर स्कोर मस्ट बी 30, 30 के आसपास तो होना ही चाहिए आपका स्कोर। ठीक है, इतना अगर हो तो वो चल पड़ेगा। सभी को प्रणाम, सभी को गुड इवनिंग। पहला सवाल बोलता है, जो प्रजातंत्र हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो रूसो ने दी थी, जेएस मिल ने दी थी, टीएच ग्रीन थे, अब्राहम लिंकन थे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? इसका आंसर बताना है आपने जल्दी से। बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि अब्राहम लिंकन ही थे वो, अब्राहम लिंकन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मानव अधिकार दिवस पूरे विश्व में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 7 नवंबर, 10 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर? बताइए जरा। लाइट जो है वो थोड़ी सी कम है, ठीक है, इसको करना पड़ेगा क्योंकि काफी चेंजेस आ चुके हैं यहाँ पे। तो इसका खैर सही जवाब हो जाता 10 दिसंबर को मनाया जाता है ये। ठीक है, तो ये टीम जो है इसको कर ही लेगी सॉल्व। आगे सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा आयरलैंड से निम्न में से क्या लिया गया? पॉलिटी का सवाल है, और आपने देखा है हमने साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, पॉलिटी में आपने पढ़े होंगे। हमने कौन सी चीज कहाँ से ली है वो आपको पता होना चाहिए। तो प्रस्तावना होगा, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत होगा या फिर उच्चतम न्यायालय होगा। ए बी सी डी। आयरलैंड से हमने संविधान का कौन सा भाग लिया हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाता जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, ये इसका सही जवाब हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो नारा है जो आप बचपन में देखते थे, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं तो लिखा होता था स्कूल में ये, है ना? तो बताइए जरा किसने बोला ये, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? नेहरू जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सरदार पटेल ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? इनमें से क्या होगा? कुछ नहीं दिख रहा है इनको, एक सेकंड।
अरे यार अभी ठीक है, काफी चेंज आ चुका है सिस्टम में। और चलिए बताना जरा, अगर अभी ठीक है तो फिर स्टार्ट करते हैं आगे। इफ दिस इज ओके तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये वाला जो स्टेटमेंट दी थी, ये दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे है मूलभूत अधिकारों का विचार लिया गया था ये इंग्लैंड से, अमेरिका से, ईरान से या फिर एंशियंट इंडिया से, कब कहां से लिया गया ये? चलिए ठीक है, आज के लिए इसको कर लें, फिर इसको हम चेंज कर देंगे, जैसे जो नॉर्मल पैटर्न रहता है हमारा, हम उसी पे आएंगे, है ना, ब्लैक स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये वाला जो लिया हमने, फंडामेंटल राइट्स जो लिए गए, ये लिए आपके अमेरिका से। ऑप्शन पी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO? ये क्वेश्चन कई बार आपने किया हुआ है, यानी कि सवाल हेडक्वार्टर पे आया है, यानी मिसलेनियस आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल बनता है वहां से, बना हुआ है रोम, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर जेनेवा, कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर WHO का? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जेनेवा, जो कि कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पे है भाई? गोबी डेजर्ट, कालाहारी सहारा या फिर पेंटागोनिया डेजर्ट, सबसे बड़ा कौन सा है? आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया होगा अंटार्कटिका जो है वो सबसे बड़ा है, लेकिन डेजर्ट को हम दो वे में डिवाइड कर देते हैं, एक हॉट और एक कोल्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्योंकि कोल्ड दिया नहीं है, कोल्ड दो ही है, एक अंटार्कटिका और एक आर्कटिक, वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपका काम जो है थोड़ा सा आसान होता है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, सहारा कह रहे हैं सबके सब। यस, सहारा डेजर्ट यानी कि अफ्रीका महाद्वीप है ना, ये वाला महाद्वीप जिसमें 54 देश हैं टोटल। ठीक है, यही है जिसका ऊपर वाला अधिकांश हिस्सा, ठीक है, ये वाला जो है सहारा डेजर्ट वो है, आर्कटिक नहीं है जो ऊपर है, और अंटार्कटिक वर्ल्ड का है तो बड़ा, लेकिन कोल्ड में आएगा ना, वो ठंडे में आएगा। जैसे इंडिया की बात करें, थार है तो आपका हेमिस भी तो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल क्या है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी ये कहाँ पे स्थित है? यानी कि इंस्टीट्यूशन पे भी सवाल आता है। ये जो टॉप 60 सवाल आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अहम सवाल हैं, स्पेशली स्पेशली किसके लिए? देखिए, पटवारी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी मिसलेनियस सवाल 25 के आसपास रहते हैं, उसमें से चांसेस रहेंगे। आप अगर JBT की तैयारी कर रहे हैं, आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी अदर एग्जाम जिसमें वेटेज रहता है जनरल नॉलेज का, GK का, तो कहीं ना कहीं पढ़ने होंगे। कहाँ पे है? कलकत्ता में है, ऐसा कह रहे हैं सबके सब। नहीं बबुआ, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी जो है वो है मसूरी में। ऑप्शन डी, मसूरी इज दी करेक्ट आंसर। आगे सवाल है, आसाम का प्रसिद्ध अभयारण्य काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? जो फेमस सेंचुरी है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, तो वो फेमस है रहीनों के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए या फिर हाथी के लिए? इसका सही जवाब क्या होगा? वो फेमस किसके लिए? सबको पता है सर, एक सींग वाले जो गेंडे होते हैं, है ना, तो रहीनो आ जाएगा यहाँ पे सही आंसर, वन हॉर्न्ड रहीनोसेरस, असम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन से महाद्वीप में मृत सागर स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है, पढ़ा हुआ है आपने कई बार, बताओ जल्दी से बताओ। ये वाला जो है डेड सी कहाँ पे है, जहां पे लोग आपको बताया था ऐसे अखबार ऊपर की तरफ समुद्र में बड़े आराम से लेटे होते हैं, तो आप में से भी बहुत सारे वहां जाना चाहते हैं, है ना। चलिए तो बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है एशिया में है ये, जॉर्डन और इजराइल, याद करिए जरा। आगे बढ़ते हैं, तेल और प्राकृतिक जो गैस है कमीशन ये कहाँ पे स्थित है? हल्दिया, देहरादून, मुंबई या फिर दिल्ली? तेल और प्राकृतिक गैस का जो संस्थान है, देखो संस्थान पे सवाल रहते हैं, यहाँ पे पूछा हुआ है, इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन देहरादून। देहरादून में है, देहरादून में और क्या खास फेमस चीज है? FRI, इस पे भी सवाल पूछा हुआ है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो वहां पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पुरुषों की अपेक्षा
स्त्रियां अधिक दिखाने वाला एकमात्र राज्य कहाँ पे है? यानी कि सवाल सेक्स रेशो पे पूछा गया है, 2011 के आंकड़े निकालने पड़ेंगे, लिंग अनुपात आपको देखना होगा, जहां पे जैसे बोलते हैं ना 1000 के ऊपर मेल के ऊपर फीमेल की संख्या जो है जनरली कम ही होती है ना, बट इसमें से एक स्टेट है जिसकी ज्यादा है, वो केरल है, पंजाब है, असम है या फिर बिहार है, आपको तो पढ़ना पड़ता है सबसे कम कितना है, एवरेज कितना है, जैसे आप बोलते हैं 972, आप बोलते हैं हिमाचल के हैं आंकड़े, वो पढ़ने पड़ेंगे। खैर यहाँ पे सही जवाब बिहार होगा, बिहार होगा, नहीं इसका सही जवाब, बहुत बढ़िया, केरल, केरल इज द करेक्ट आंसर, केरल ही है, दिया है यहाँ पे 1084 महिलाएं दर्ज की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत में रुई मिलों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे है? अब देखो कॉटन जो है, एक ज्योग्राफी का ही सवाल एक तरह से, कॉटन आप पढ़ते हैं, पीटी कॉटन आपने सुना ही होगा, काफी फेमस है, साइंस में भी पढ़ा है आपने, बैसिलस थुरिंजेनेसिस, वो पूरी स्टोरी याद है ना आपको कैसे क्या। अब कॉटन है, कपास है, सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य में होता है ये बताइए जरा, कहाँ पे होता है ये सबसे ज्यादा कॉटन, कहाँ होता है? तो आंसर होता है सर गुजरात में ही होता है, और महाराष्ट्र में लड़ाई तेज होती है फर्स्ट सेकेंड रैंक। हालांकि मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो पेपर है ये पेपर 2010-12 का ही है, काफी पुराना पेपर ढूंढा है, अब उसमें ये सवाल था, लेकिन ये ऐसी चीजें होती हैं जो विद टाइम आपको चेक करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर बन जाता है, ये चेंज हो सकता है। कॉटन मिल्स अभी के लिए तो खैर यहाँ पे ज्यादा हो चुकी हैं, मुंबई में, महाराष्ट्र में कॉटन मिल्स, लेकिन उस दौर का आंसर यही था ऑप्शन ए जो आप कह रहे हैं, अहमदाबाद, विच इज ऑल्सो फेमस, है ना, गुजरात तो जाना जाता है भाई कपास के लिए, कपास की खेती है ना, समझ गए ना यहाँ पे लॉजिक, तो आपको विद टाइम चेक करना है ये क्योंकि ये करंट अफेयर का सवाल बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, रेगिस्तानी जंगलों के पौधों की पत्तियां का जो आकार होता है वो कैसा होता है? नॉचडिन शेप होती है, स्मॉल साइज एंड थॉर्नी होती है, लॉन्ग होती है, वाइड होती है, जो पत्तियां आपको देखने को मिलती हैं रेगिस्तान के जंगलों में वो कैसी होती हैं? तो दे आर जनरली छोटे आकार की और कांटेदार, कांटे उनमें लगे होते हैं, थॉर्न्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, विच इज वेरी की फीचर, ठीक है, प्लांट्स और जॉलोजी एनिमल्स में पढ़ाया जाता है आपको, जैसे याद करो जरा स्किन जो होती है एम्फीबियंस की स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है ना, थोड़ी सी पढ़ा है आपने, हल्का सा मॉइस्चर होता है, रेप्टाइल्स में स्केल्स देखने को मिलते हैं, एब्स की बात करें उड़ने वाले उनमें पंख आ जाते हैं, फेदर आ जाते हैं, और मैमल्स में मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, मतलब बाल होते हैं, रेदर हेयर्स होते हैं, जो सबको अलग अलग करते हैं, तो सवाल वही था, कोई मुश्किल सवाल नहीं था। आगे बढ़ते हैं, कथ आपने सुना है ना, नॉर्मल कथ, ये कौन से प्लांट से मिलता है? अब देखो चार प्लांट दे दिए हैं, हाँ लोकल नाम नहीं दिया है, वरना आप बच्चे इसको बहुत आसानी से कर लोगे, थोड़ा सा मुश्किल ये बनाता है। अब अकेशिया तो है, लेकिन उसकी स्पीसीज कौन है? अकेशिया अमीबा, अकेशिया कटेचू, अकेशिया सेनेगल या फिर लूसीफर लक्का, कथ वही है जो आप सोच रहे हैं, खैर उसका नाम है ना, खैर का एक पेड़ आपने देखा होगा, जैसे हर 10-15 साल बाद सरकार टेंडर निकालती है और लोग बेच सकते हैं जिनके पास है ना, और देखा ही होगा आपने, इससे काफी पैसे आप भी कमाए होंगे, आपने कमा सकते हैं। अब अकेशिया तो है, लेकिन कौन सी स्पीसीज है उसकी? तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन बी, अकेशिया कटेचू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है यही होगा। आगे बढ़ते हैं, कथ जो बनाया जाता है ना, इवन याद करो जरा, आपने वो भी पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको, जो ये नहीं खाते हैं, जो ये बोलो जुबान केसरी वाले, ये जो लाल लाल गुटखा वगैरह पान वगैरह, उसमें भी पड़ता है ये रेड कलर का जो होता है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो क्या सिचुएशन होती है बताइए ज्योग्राफी का सवाल है, सूर्य ग्रहण कौन बीच में आता है पता होना चाहिए, और चंद्र ग्रहण में कौन बीच में आता है पता होना चाहिए, है ना, सिंपल सी बात है, अर्थ एंड मून, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, जो सोलर होना था यहाँ पे, शायद वर्ड्स जो है वो रिमूव हो गए, सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन
चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ये आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी जो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हम सामान्यतः समुद्र की गहराई मापते हैं, तो फिजिक्स में आपने पढ़ा है इंस्ट्रूमेंटेशन एक चैप्टर, वहीं से सवाल पूछ लिया। अब पढ़ाए हैं आपको 60-70 सवाल, एक पूछ लिया इन्होंने समुद्र की गहराई कौन मापता है, तो आपको पढ़ाया हुआ है। याद है किसी को? अगर नहीं भी याद है तो टेंशन ना लो, आप जाइए वापिस से पन्ने पलटिए, आंसर आपको मिल जाएगा। उसका आंसर होता है दिया नहीं है, फेदोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा फिर, है ना? फेदोमीटर इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया अनीश। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? अब इकोनॉमी से सवाल है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, यही है ना? हाँ जी, तो बताइए इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, सेल्स टैक्स या फिर हाउस टैक्स। अब ये इकोनॉमी के कुछ एक सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे, तो इसका सही आंसर हो जाता जो आपका सेल्स टैक्स है, विच इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स। आगे सवाल क्या है, चंद्रमा की जो कलाएं बनती हैं उनका क्या रीजन है? दिस इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फेजेस ऑफ द मून, अर्थ की रोटेशन, मून की रोटेशन, अर्थ की रिवोल्यूशन या फिर मून्स की रिवोल्यूशन। अब ये सवाल भी ज्योग्राफी से ही है, इसका सही आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन बी चंद्रमा का परिभ्रमण, जो रोटेशन है मून की उसी की वजह से उसमें आपको कलाएं देखने को मिलती हैं। किसके कारण से डालू घाटियां बनती हैं? ड्यू टू व्हाट आर स्लोपिंग वैलीज फॉर्म, नदी, ग्लेशियर, समुद्र की लहरें या फिर ज्वालामुखी का टूटना या फिर फूटना, वॉल्केनिक इरप्शन होना। इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन ग्लेशियर, ऑप्शन बी ग्लेशियर की वजह से आपको स्लोपिंग जो वैलीज होती हैं वो देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा है, आर्थिक विकास के लिए भारत द्वारा आर्थिक पद्धति की कौन सी नीति अपनाई गई है? विच पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड बाय इंडिया फॉर इकोनॉमिक डेवलप्ड, तो कौन सी चली हुई है भाई? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्ट है या फिर सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है। अब ये इकोनॉमी वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको, और इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में दोनों प्रकार की मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है। बहुत बढ़िया हिमालयन गर्ल। आगे बढ़ते हैं। कौन से बाजार में एक पेड़ी कीमत निर्धारण नहीं कर सकती? इन विच मार्केट वन जनरेशन कैन नॉट डिटरमिन द प्राइस, बताइए ऑलिगोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मोनोपोली में, परफेक्ट कंपटीशन में। तो इन विच मार्केट एक जनरेशन जो है इट कैन नॉट डिटरमिन द प्राइस, बट विल बी द प्राइस, वो डिटरमिन नहीं करेगा कौन से बाजार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परफेक्ट कंपटीशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या सवाल है अधिकतर राज्यों में बैट कब से लागू हुआ? जो बैट आप सुनते हैं जिससे सरकार मोटा पैसा कमाती है, तो ये 1 अप्रैल 2005 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? 1 अप्रैल 2005 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में वस्तु की मांग है डैश डैश डैश, इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज, इलास्टिक होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक होती है या फिर कंप्लीटली इन इलास्टिक होती है। इसका सही आंसर था परफेक्टली इलास्टिक होती है। कुछ एक टर्म्स होते हैं, वर्ड्स होती हैं, थ्योरी है एक तरह से, देखनी पड़ेगी। ह्वेन सॉन्ग, अब देखो हिस्ट्री पे पहुंच गए, टॉप 60 सवाल हर एक सेक्शन को कवर करेगा, उसमें हिस्ट्री होगी, ऑथर होंगे, हर सब सारी चीजें आएंगी उसमें, है ना? सोशल स्टडी का मतलब ही क्या है ना, जैसे 10th में आपको पेपर होता था वही वाला। ड्यूरिंग हुज रीजन दिस गाय केम इन इंडिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, पढ़ा होगा आपने, ये जो व्यक्ति आए थे ये आए थे आपके हर्षवर्धन के दौर में। नेक्स्ट सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम पूरे भारत की, वो हमारी एग्रीकल्चर से आती है, इंडस्ट्री से आती है, सर्विस सेक्टर से आती है या फिर बिजनेस सेक्टर से आती है। वैसे तो बताओ जरा क्या होगा इसका सही आंसर, तो हर एक सेक्टर एक तरह से क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा यस विजय, बहुत बढ़िया सर्विस कह रहे हैं, यस सेवा क्षेत्र जो है ना वो बहुत बड़ी फील्ड है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सेवा क्षेत्र ही होगा, ठीक है? जो कि अंडरस्टूड है, समझा जा सकता है।
आगे बढ़ते हैं। 1991 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण वैश्वीकरण के लिए कारण क्या बताया गया? भ्रष्टाचार, कार्य में कुशलता की कमी, प्रावहीन प्रबंध थे, या फिर ये सारे ही रीजन रहे इस चीज के लिए? 1991, क्योंकि आपको उस दौर का पता होगा, है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कैसे फाइनेंस से लेके हर एक चीज, है ना, वो पूरी स्टोरी तो आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री में। तो उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण वैश्वीकरण के लिए कारण था ऑप्शन डी, यस, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, ग्राहक सुरक्षा कानून कब बनाया गया? कब बनाया गया था? 1980, 85, 86, 1991, जैसे आपने वो सुनी होगी एड जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों के बारे में जागिए, है ना, सुनी होगी। वैसे टेक्निकली क्या होता है, आप कोई भी सामान अगर दुकान से खरीद रहे हो तो आपका ये हक है कि आप उसके जो शॉपकीपर है उससे आप क्या मांगे, थैली मांगे। ये आपका एक मतलब वन ऑफ द अधिकार आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। लेकिन हर बार ये फॉलो नहीं होता है, ठीक है। अब आप बच्चे जाएं बोलेंगे मेरे को 10 वाला पेन दे दो या फिर 5 वाला रिफिल दे दो, हैं, और बोलेंगे इसको थैली में दे। क्यों? क्योंकि भैया मेरे लिए कानून बनाया गया है, ग्राहक सुरक्षा कानून। तो ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है, मतलब अंडरस्टूड है कुछ चीजें जो है वो आप, हालांकि एक्चुअल में इंडिया में क्या होता है, आप ले जा सकते हो, आप खुद बैग ले जाते हो घर से, इतना अच्छा बच्चा है इतना अच्छा बच्चा है। वरना वहां पे वो बेचारे 10 रुपए का बैग लगा देते हैं, बैग वो कुछ नहीं मिलेगा, 10 रुपए देने होंगे अगर ले जाना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही जवाब था, आंसर था 1986, जो कि बहुत बढ़िया, तान्या विनीत, एक्सलेंट। आगे बढ़ते हैं, खजुराहो के विशाल मंदिर किन शासकों द्वारा निर्मित किए गए थे? बताइए, बहुत ही फेमस टेम्पल है, तो गुजरात के सोलंकी राजवंश, मालवा के परमार राजवंश, बुंदेलखंड के चंदेल, अजमेर के चौहान। क्या लग रहा है आपको इसका सही आंसर क्या होगा भाई, बताओ, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? झोला लेके जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर बुंदेलखंड के चंदेल, ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में माल की कीमतों में परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन से निर्देशांक द्वारा मापा जाता है? चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ गुड्स इन इंडिया इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स? होलसेल प्राइस है, या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या फिर दोनों के दोनों? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दोनों के दोनों से ही ये मेजर किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था इनमें से कब? बंगाल गैजेट, राष्ट्र गोष्ठी, संवादक कौमुदी, या फिर सोम प्रकाश? तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही जवाब था बंगाल गैजेट में। नेक्स्ट सवाल पूछा है, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो जैसे ही आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पहले ही दिन आपको वो नाम सारे, लोथल से लेके कालीबंगा, रोपड़, जोधपुर, कौन से राज्य में कहाँ कहाँ पे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, वो पढ़ाया जाता है, तो आपने पढ़ा है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए पे ताला लगा दिया जाए, लोथल पे, तब तो गलत हो जाएगा। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता, इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा ये दिया तो गया था, लेकिन कब दिया और किस आंदोलन में दिया? असहयोग आंदोलन के कारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर औद्योगिक सत्याग्रह के दौरान? तो देखो आपको ये भी पढ़ना ही पड़ेगा, ये सवाल आया है आपका मॉडर्न जो हिस्ट्री है वहां से, यानी आफ्टर 1857 पूरी रिवॉल्यूशन, क्रांतियां जो भी हुई, है ना, और गांधी जी ने तो बहुत कुछ किया है देश को आजाद करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, तो 8 अगस्त 1942, कौन सा दिन था वो? भारत छोड़ो आंदोलन, यस, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। आगे है, मनसबदारी प्रणाली ये प्रारंभ कब हुई भाई? शेर, अच्छा किसने की? शेरशाह द्वारा, अकबर, औरंगजेब,
बहादुर शाह द्वारा मनसबदारी प्रणाली ये जो आरंभ की थी, ये की थी अकबर ने। नेक्स्ट सवाल क्या है, किस गुप्तकालीन साहित्य व्यक्ति कोई शेक्सपियर के साथ तुलना की जाती है, आई गेस ऐसे होगा ये, बताओ तो, तुलना की जाती है, एक गुप्तकालीन व्यक्ति रहे जिनकी शेक्सपियर से तुलना की जाती है, भारवी है, विशाखा दत्त है, कालिदास है या फिर भवाभूमि है। आंसर हो जाता कालिदास, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, यूएसए का राष्ट्रपति बताना है आपने, जिसने गुलामी सबसे पहले नष्ट कर दी थी, जिसने स्लेवरी, जैसे आपने इंडिया के रेफरेंस में भी पढ़ा है दास प्रथा के बारे में, तो वो कौन थे, अब्राहम लिंकन थे, कैनेडी थे, जॉनसन थे या फिर गारफील्ड थे। आंसर हो जाता है अब्राहम लिंकन। वर्ल्ड की हिस्ट्री पूछ लेते हैं हल्का फुल्का, एक नंबर दो नंबर, स्पेशली टीचर्स के जो टेस्ट होते हैं। पृथ्वीराज चौहान को पराजित किसने किया था भाई, इनके दो युद्ध आपने देखे होंगे, पहला दूसरा, इनकी हार हुई तो कौन थे वो, बलबन से युद्ध लिया, मोहम्मद गजनबी, गौरी या फिर इल्तुतमिश। अब मिडिवल हिस्ट्री से सवाल है, जो मिडिवल हिस्ट्री चली हुई है वहां से सवाल है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया आंसर हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन 1192 में लड़ी गई तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए। आगे बढ़ते हैं, भारत का समुद्री मार्ग किसने खोजा, अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाल या फिर डच, कौन थे वो। हु डिस्कवर्ड इंडिया, आपने एक सवाल पढ़ा होगा, उसके रेफरेंस, उसके तार भी इसी क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे वास्को डी गामा 1498 कैलीकट केरल आया था, और वो जो था वो एक पोर्तुगीज था, एक पुर्तगाल था, है ना, पुर्तगाल। कहाँ पे है पुर्तगाल, स्पेन से लगता है, स्पेन, फिर इधर फ्रांस, जर्मनी, है ना, तो यहाँ पे पुर्तगाल है, यहाँ पे एक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, आईने अकबरी किसने लिखी, अकबर ने ही लिखी, फैजी द्वारा, अबुल फजल या फिर राजा टोडरमल, क्या होगा इसका सही जवाब, किसने लिखी आईने अकबरी, तो ये लिखी थी आपकी अबुल फजल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, अगस्त, अच्छा 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था, हिरोशिमा, नागासाकी, टोक्यो या फिर याकोहामा, ये कहाँ पे गिराया गया था भाई, क्या लग रहा है आपको। हाँ, बहुत बढ़िया, राजेश्वरी, सरिता, रितिका, एक्सलेंट, मनीष, राजकुमार, विवेक, अभिषेक, निधि, केडी ठाकुर, आदित्य, आडू, तान्या, एक्सलेंट, एक्सप्लोर समथिंग समथिंग, पायल, रमा, सुरजीत, मुनीस, मुकेश, विजय, छोटे दुनायक, निधि, सरिता, जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर क्या हो, क्योंकि आपने पढ़ा है ना 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, लगभग लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए थे जब जापान ने फालतू में ही एग्रेशन दिखा दिया, और हवाई नामक स्थान पे, यूएसए का एक हवाई आइलैंड है जिसकी अभी तो 30 लाख के आसपास हो गई है जनसंख्या, लेकिन उस वक्त उन्होंने हरकत की, और उस हरकत का जवाब ऐसा आया कि जापान के आज भी लोग उसको याद करते हैं, हालांकि कन्फ्यूजन हिरोशिमा नागासाकी में ही होगी, लेकिन वो हिरोशिमा ही था, लिटिल बॉय एंड फैट बॉय आपने पढ़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ, नसीरुद्दीन द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, बलबन द्वारा, जो आप देखते हैं ना कुतुब मीनार, तो वो किसने बनाई कुतुब मीनार, बहुत बढ़िया, कनक, नीलाक्षी, राजकुमार, कुलविंदर सिंह, बहुत बढ़िया, सुरिंदर राजपूत, क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाता, क्योंकि आसान से सवाल है, इल्तुतमिश ने इसको बनाया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत के पक्ष में कश्मीर समस्या पर यूएनओ में किस देश ने वीटो पावर का प्रयोग किया था। आपको पता है पांच ऐसे देश हैं स्थायी देश, परमानेंट मेंबर्स यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन में, तो वीटो पावर का इस्तेमाल वो करते ही हैं, और इनमें से एक देश है जिसने कई बार भारत को बचाया है, वो देश कौन सा है, यही सवाल है, तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब।
यूएसए, फ्रांस, यूएसएसआर और इंग्लैंड, भारत और डैश की दोस्ती सर्वोपरि है, आपको पता ही होगा। तो कौन सा देश है वो जिनकी, जो भारत का एक्चुअल में सच्चा दोस्त रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है, यूएनओ में कश्मीर मामले में पाकिस्तान लेके चला गया था एक ऑर्डिनेंस वहां पे, है ना, हमारे अगेंस्ट, लेकिन सामने आया हमारा पुराना यार दोस्त जिगरी, जिसका नाम है यूएसएसआर। हालांकि आपको पता है 1991 में टूट के फिर इसमें अलग अलग देश थे बहुत सारे, वो इससे अलग हो गए थे। हाँ, रशिया यानी रूस की बात ही हो रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? राम मोहन, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद। सारे लेजेंडरी पर्सन हैं और सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल बनते हैं इनकी रचनाएं क्या थी, पुस्तकें क्या क्या लिखी या किस फील्ड में काम किया, और ये आपको पता होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया है दयानंद सरस्वती जी ने। आगे बढ़ते हैं, जब रोम जल रहा था तब कौन राजा बंसी बजा रहा था? अचिलेस, नारी पोम्पई, जूलियस सीजर। आई थिंक नॉरी होगा यहाँ पे, और वुमेन तो खैर ट्रांसलेशन नहीं होगी क्योंकि नाम है, क्योंकि ये नाम है किसी के। तो बताइए एक्चुअल में जब रोम जल रहा था तो ये राजा बंसी बजा रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाता, करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन, यही नॉरी होता यहाँ पे, नीरो। ठीक है, थोड़ी सी ट्रांसलेशन में गड़बड़ हुई है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, बहामनी राज्य का संस्थापक कौन था? महमूद शाह, महमूद गबन, हसन गंगू, अलाउद्दीन। ए बी सी डी, तो आंसर हो जाता सी, हसन गंगू। आगे बढ़ते हैं, पाणिनि एक प्रसिद्ध विद्वान था, फेमस स्कॉलर था, भाषा और व्याकरण का ज्ञान था, आयुर्वेद का था, ज्योतिषी का था, या फिर जीव विज्ञान का था? किसका ज्ञान उन्हें ठीक ठाक था? आंसर जाता भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर के वो स्कॉलर रहे। आगे बढ़ते हैं, महमूद गजनबी ने सोमनाथ पे चढ़ाई की, तो इन्होंने, व्हेन डिड महमूद गजनबी अटैक सोमनाथ, है ना, गुजरात में आपने पढ़ा है 17-18 बार इन्होंने आक्रमण किए, चांदी सोना हर एक चीज चुराया करते थे, ये आदत थी मुसलमानों की। तो बताइए महमूद गजनबी ने सोमनाथ पे चढ़ाई की, मिडिवल हिस्ट्री में इन्होंने बहुत सारे मंदिरों को लूटा है ना, वो सारी कहानी आपने सुनी है, कब इन्होंने अटैक किया? सोमनाथ मंदिर, गुजरात, 1928। कंफ्यूज आंसर होगा इसका, 28 तो है भी नहीं ऑप्शन में, खैर इसका करेक्ट आंसर होता 1025, ये भी ऑप्शन में है, 1025 AD AC। ठीक है, महमूद गजनबी। आगे बढ़ते हैं, किस गवर्नर जनरलशिप के तहत बंगाल का विभाजन हुआ था? आपने पढ़ा है बंगाल विभाजन है ना, 1905, लाई वॉरेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड कैनिंग थे, कर्जन थे, या फिर लॉर्ड हॉर्डिंग्स थे? तो ये भी आप हिस्ट्री से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, रट्टा मार वाला वो सिचुएशन है, रट्टा मार नहीं, इनको स्टोरी की फॉर्म में समझा करो प्यारे बच्चों, ठीक है, कोशिश किया करो, क्योंकि रट्टे के लिए जाओगे कितना ही याद कर पाओगे, आप समझिए इस चीज को, स्टोरी ढूंढो उसके आसपास हुआ क्यों, क्या है ना, वो क्यों ढूंढना स्टार्ट कीजिए हिस्ट्री में, क्योंकि वहां दिक्कत रहेगी रहेगी। चलिए इसका सही आंसर खैर क्या था, लॉर्ड कर्जन थे वो। आगे बढ़ते हैं, यूएसए का पहला राष्ट्रपति कौन था? वॉशिंगटन थे, लिंकन थे, विल्सन थे, रूजवेल्ट थे? आंसर आता जॉर्ज वॉशिंगटन थे यूएसए के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यूरोप में सर्वप्रथम इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुई, औद्योगिक क्रांति आई, उसमें कौन सा देश सर्वोपरि रहा, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुई, जिन्होंने किया? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर इटली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली ही होगा इसका सही आंसर, सॉरी इंग्लैंड, यस, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, राइट। तो ये जो है मैक्सिमम वहीं से थे, इंग्लैंड से। आगे बढ़ते हैं, पानीपत का द्वितीय लड़ाई किनके बीच हुई? आपको पढ़ना पड़ता है ये, पानीपत का पहला, पानीपत का दूसरा, पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ वो किन किन के बीच में हुआ और कब कब हुआ, है ना, जैसे 1526 वगैरह वगैरह, जो भी आप रेफरेंस देते हैं बताइए। अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और शेरशाह, अकबर और महाराणा प्रताप? तो इनमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर और हेमू के बीच में हुई, हिंदू
हेमू एक हिंदू लीडर थे। आगे बढ़ते हैं, कावेरी जल विवाद आपने कई बार सुना हुआ है, आपको बताया भी हुआ है, ये डिस्प्यूट है भारत के दो राज्यों के बीच में है, हालांकि यहाँ पे तीन दिए हुए हैं, तीसरा भी आप ऐड कर सकते हो, मतलब विवाद है ये, पर दो तो मेन है इसमें। तो बताइए वो तमिलनाडु कर्नाटक केरल हैं, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश केरल हैं, केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ये जो है ये हो जाएगा तमिलनाडु कर्नाटक और केरल, आसान से सवाल है, इतना आपने कई बार इसको पढ़ा भी है। आगे बढ़ते हैं, गीर जो जंगल है वो किससे संबंध है, तो गीर नेशनल पार्क गुजरात, अगेन सवाल उस पर रहते ही है, तो दैट इज फेमस फॉर ऑप्शन ए सिंह, ट्रांसलेशन लियो लॉयन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अच्छा हो गए क्या 55 सवाल थे क्या, चलिए तो यहाँ पे 55 ही सवाल हैं, शायद 5 सवाल एडिटर डालना भूल गए हैं समहाउ। तो ये था आज का सेशन, थे तो पूरे मेरे हिसाब से 60 थे। थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पे आने के लिए, बाकी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नंबर दिए गए हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पटवारी की, फॉरेस्ट गार्ड की, और टेट जेबीटी हो चाहे 800 वो भी तैयारी कर सकते हैं, कमीशन की तैयारी भी हो ही रही है, और फॉरेस्ट गार्ड पुलिस और सारी भर्तियाँ जो हैं, स्टडी नाइट आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस देती है, तो आप बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने करना है। तो ये था आज का सेशन, आई होप आप सभी का स्कोर अच्छा है, आप एक बार अपना अपना स्कोर बता दें, अगर 55 सवाल हुए हैं तो आपका स्कोर क्या है, और जल्दी से टेलीग्राम पे आपने आ जाना है, क्विज होगा वहाँ पे, एचपी जीके का करते हैं ना, एचपी जीके का एक क्विज करते हैं छोटा सा, और मिलते हैं आपसे वहाँ पे। व्हाट इज द टाइम, 8:37, तो 45 पे हम स्टार्ट कर देंगे, 8:45, जाइए जल्दी से खाना खुना खाइए, चलिए मिलते हैं आपसे एक बार फिर से, जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे आप सभी को और आपके परिवार।